हेलो गाइस, मैं हूँ गुरमीत और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रीति आर्टवर्क में। हमें चाहिए पेंसिल, ब्लैक जेल पेन, ब्लैक स्केच पेन, इरेजर, स्केल और डोम्स कलर और A4 साइज पेपर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक क्रिसमस ट्री। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि हमें जो पेंसिल लाइन है वो ज़्यादा डार्क नहीं रखनी है, क्योंकि हम बाद में इसे इरेज कर देंगे। अब हमें ब्लैक जेल पेन की मदद से पूरे पिक्चर को आउटलाइन कर लेना है। जेल पेन से पूरे पिक्चर को आउटलाइन करने के बाद हमें पेंसिल लाइन इरेज कर लेनी है। अगर आप क्रिसमस ट्री बनाएंगे तो आप अपनी पसंद से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं डोम्स कलर यूज़ कर रही हूँ। 24 कलर पेंसिल्स का सेट है ये। 100 रुपीज़ MRP है इसका, आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं चेरीज बना रही हूँ, तो इसमें मैंने कलर यूज़ किया है लाइट रेड, डार्क रेड, ब्राउन, वाइट, और कलर्स को अच्छे से ब्लेंड करना है। रिबन में भी सेम कलर यूज़ करना है। जैसे कि मैं नीचे का वुड स्टैंड बना रही हूँ, तो इसमें मैंने येलो ऑकर और ब्राउन कलर यूज़ किया है, तो लाइट रिफ्लेक्शन से ऊपर साइड डार्क होगा और नीचे साइड लाइट होगा। लीव्स पे मैंने कलर लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, लेमन येलो यूज़ किया है। कॉर्नर्स पे लाइट होगा और मिडिल में डार्क होगा। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू स्नो दिखाने के लिए। मैं डार्क ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ ग्लास को शो करने के लिए। ये एक डेकोरेटिव पीस है जो वुड एंड ग्लास से बना है, जिसके अंदर क्रिसमस ट्री है। ट्री पे मैंने लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, सैफ ग्रीन और लेमन येलो का यूज़ किया है।
जो ट्री का अपर साइड है या आउट साइड है वहां हमें थोड़ी स्पेस छोड़नी है स्नो दिखाने के लिए। ग्लास का रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए मैं ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ, बहुत लाइट करके करना है। फाइनल लुक ऐसा कुछ दिखेगा। अगर आप बनाएंगे इस आर्टवर्क को तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मेरे साथ इसे शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल। गॉन्ड आर्ट की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।